मार्च महीने में 6 मार्च से 12 मार्च तक जो लॉन्ग मार्च निकला था और उसके बारे में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसने हमें आश्वासित किया था कि वो जो 9 मांगे हैं वो 9 मांगे पूरी कर देंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने के अंदर ही हम पूरा कर देंगे। लेकिन अभी तक हमें दिखता है कि जितना स्पीड से वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो कोई ऐसा दिखता नहीं। प्रशासन लेवल पे वो कलेक्टर हो या फॉरेस्ट के DFO हो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ये तय किया है कि पहले मुख्यमंत्री से एक बार मुलाकात लेंगे और उनके साथ बैठ के ये जो इम्प्लीमेंटेशन का बारे में हम उससे बात बताएंगे कि 6 महीने में होने वाला नहीं है और यदि 6 महीने में नहीं हुआ तो हमारे वो जो जिस लोगों ने वो लॉन्ग मार्च निकाला था जिस मांगों पर लॉन्ग मार्च निकाला था वो मांगे फिर लेके अगला आंदोलन का स्टेप हम लेने वाले हैं और उसी की तैयारी हम जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता और हम खुद हम करते हैं और हमें लगता है कि इसी अगले आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अभी हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक हुए थे लोग उसके अलावा दूसरे लोग भी शरीक होंगे और अगला आंदोलन बहुत बड़ा पैमाने पे होने वाला है। तो अगला ये जून तक हम राह देखते हैं, उसके बाद हम कौन सा आंदोलन करने का क्या करने का इसके बारे में सोचेंगे और अपना निर्णय तय करेंगे। ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पक्षों ने ये मोर्चे निकाले थे, कोई जेल भरो किया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को घेराव भी डाला था, लेकिन किसी की मांग पूरी नहीं हुई और गवर्नमेंट बोलने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो हमारा जो लॉन्ग मार्च निकला उसमें जो प्रेशर तैयार हुआ बीजेपी छोड़ के सभी पक्षों ने सभी पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया और इसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे साथ बोलने को तैयार हुआ और वो पूरी मांगे उसने मान्य कर ली और इसका असर जो है वो महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जो पीड़ित शेतकरी है किसान है जिधर ये अपना संजय गांधी निराधार योजना का अमल नहीं होता, राशन कार्ड नहीं मिलता, तो ये जो वहाँ के सवाल है वो सवाल अभी किसान सभा ही ये सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा लोगों के मन में अभी एक विचार है। तो हम उसका फ़ायदा लेके ये यदि हमारी मांगे ऐसी ही रही उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हम पूरे महाराष्ट्र में ये अभी की जो लोगों के मन में भावना है हमारे तरफ की अच्छी जरा लड़ने वाली दिशा है वो उसका आधार लेके हम पूरे महाराष्ट्र के साथ दूसरा आंदोलन में हम जब शुरुआत करेंगे तो दूसरा आंदोलन में सब पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करके और हम सब मिलके उधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें लगता है कि वो बहुत अड़चन में आने वाला है। तो हम अगला जो कदम है वो कैसा उठाने का वो सोच समझ के तय करेंगे।